हरि बोल, हरि हरि बोल, भगवद गीता की जय। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय भगवद गीते, करम सुमरम प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, जय जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मल हारी मैया, निर्मल मल हारी, शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी, जय जय भगवत गीते, राग द्वेष बिदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, जय जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी, जय जय भगवत गीते, समता त्याग सिखाविनी, हरि मुख की बाणी मैया, हरि मुख की बाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, जय जय भगवत गीते, दया सुधा बरसाविनी, मातु कृपा की जय मैया, मातु कृपा की जय, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, जय जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय भगवद गीते, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, भगवद गीता की जय। हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शास्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है।
जैसा आप जानते हैं कि सरल भगवद गीता का कोर्स भगवत क्रिया से प्रारंभ हो चुका है, तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सरल भगवद गीता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर भगवद गीता क्या होती है। आने वाले दिनों में फिर हम गोलोक एक्सप्रेस के सरल भगवद गीता के प्रिलिमिनरी मॉडल्स को, जैसे कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस, ABCD, फोर पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कंपैरिजन ऑफ चैरिट, उस पर चर्चा करेंगे ताकि आपका एक अच्छा बेस बन सके, और फिर हम चैप्टर्स पे जाएंगे भगवद गीता के वन बाय वन, है ना। तो देखिए, सरल भगवद गीता क्या है। 2009 में मैंने भगवद गीता पढ़ाना शुरू की थी, बट एज यू ऑल नो, मैं तो अपने ब्रदर्स और कजन्स के साथ फोन पे बात कर रहा था, भगवद गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक उठाता था, स्पेशली मैं चैप्टर 2 का 66 श्लोक पे बड़े बात करते थे हम कि कैसे खुशी कैसे मिल सकती है। खुशी तब मिलेगी जब आपका मन जो है वो शांत होगा, और मन शांत तब होगा या मन स्थिर होगा, मन स्थिर जब होगा जब बुद्धि दिव्य होगी, बुद्धि दिव्य तभी हो सकती है जब आप भगवान से जुड़े। तो मेरे को क्या लगता था कि कुछ सिलेक्टेड वर्सेस निकाल के अपने फ्रेंड फैमिली के साथ बात करता रहता था, क्योंकि पेशेंस तो होती नहीं है सबके पास पूरी भगवद गीता पढ़ने की, तो सिलेक्टेड वर्सेस को बताता था, और उससे ही बड़े सारे फैमिली मेंबर्स मोटिवेट हो गए, और बाद में हमने पूरी भगवद गीता को भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। जो हमारी भगवद गीता है पर सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ है, उसमें 700 श्लोक आते हैं, 700। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टू फ्रॉम 2009 टू 2014 रफली 5 साल में सैकड़ों लोगों को भगवत कृपा से हम गाइड कर रहे थे। तो मुझे आंसर यही मिला कि ना, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद टाइम, और मैंने सिलेक्टेड कुछ वर्सेस भगवत गीता में से उठाए, साथ में उनको ये बेसिक मॉडल्स के साथ जोड़ा, तो मुझे लगा कि उससे कम समय में बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। पहले हमने वो मॉडल डेवलप किया था क्योंकि हमारे साथ प्रचारक बहुत जुड़े हुए थे, बहुत सारे डिवोटीज पढ़ाना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कि उनके लिए एक रिफ्रेशर मैनुअल बन जाएगी कि वो फटाफट रिवाइज कर पाएंगे क्या पढ़ाना क्या है। लेकिन बाद में जो बुक्स बनाई गई, हमने PDFs बनाई गई थी, उसको हम स्टडी नोट्स कहते थे, नोट्स बना दिए थे, मैंने नोट्स बनाए, जैसे स्कूल में हमने नोट्स बनाए, कभी मोटी किताबें तो कोई पढ़ता नहीं है, मैक्सिमम बच्चे कौन से होते हैं, नोट्स वाले होते हैं, हमने नोट्स बना लिए भगवद गीता के। तो मैंने साथ में जो प्रीचिंग टीम है हमारी, इसको हम कमांडो ग्रुप कहते हैं, उनके साथ डिवोटीज को शेयर किया कि आप भी इसको यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए, मतलब अपनी अपनी रिविजन के लिए। लेकिन बाद में हुआ क्या कि डिवोटीज ने उसी से पढ़ाना शुरू कर दिया, और इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आना शुरू हो गया। मतलब बहुत कम समय में जो हमारे कोर्सेज बड़े लंबे लंबे होते थे, भगवद गीता के बार इंट्रोडक्शन करने में ही, उसमें 30 पेजेस है, तो उसको इंट्रोडक्शन कई बार कंप्लीट करने में ही महीना महीना लग जाता था। तो इसमें क्या होना शुरू हुआ कि बहुत ही कम समय में बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आना शुरू हो गए, और एफर्ट भी कम लगना शुरू हो गया। तो फिर मुझे लगा कि शायद मॉडल को चेंज करना चाहिए, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2014 के बाद हमने ये वाला डिसीजन लिया कि हम इसको सरल भगवद गीता के रूप में एक PDF डेवलप करेंगे, जिसका तात्पर्य सारे वीडियोज में होंगे। तो इट्स एक्चुअली अ वीडियो बुक, एक PDF है, ताकि आप प्रिंट आउट करवा लो बच्चों। उसका कुछ प्रिलिमिनरी मॉडल्स तो इसमें एक्सप्लेन्ड है, बट अल्टीमेटली इसका पर्पस ये है कि आप लोगों को थोड़ा पढ़ो, और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करें सत्संग में, और जो डिवोटी सत्संग तक नहीं पहुंच पाते वो लोग YouTube वीडियोस देख के उसकी एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि पढ़ने वाले लोग बड़े कम है वर्ल्ड में, सुनने वाले और देखने वाले लोग ज्यादा है ना। तो मुझे ये अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आ रही थी कि मैं कोई एक बड़ी सी किताब लिखूं जिसमें हर एक श्लोक की एक्सप्लेनेशन लिखी हो, वो अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आ रही थी। इंस्पिरेशन आ रही ऐसी आ रही थी कि श्लोक तो भगवद गीता के वही हैं, भगवान ने बोली बातें, लेकिन उनका एक तात्पर्य होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, वो वीडियोस की फॉर्मेट में अवेलेबल हो गई है अब यूट्यूब पे। आई थिंक 2015-16 में हमने वो कर लिया था। तो पर्पज ये था कि कोई सेल्फ स्टडी भी कर सकता है सरल भगवद गीता की, इन द सेंस कोई कैनेडा में है और वो एज सच उसकी टाइमिंग्स मैच नहीं करती, वो भी लाइव सत्संग में आना भी नहीं चाहता फॉर XYZ रीजन, तो वो अपना यूट्यूब पे जाए और वो अपनी एक एक करके वीडियो देखना शुरू करे। तो उस तरह से भी वो सरल भगवद गीता का कोर्स स्पिरिचुअल हब ऐप के थ्रू या फिर यूट्यूब मॉडल के थ्रू बड़े इजिली कंप्लीट कर सकता है। आज हमारे साथ हमारी टीम के कुछ प्रचारक भी हैं जिन्होंने पहले जो पूरी सेल्फ स्टडी की यूट्यूब के माध्यम से की, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे साथ डायरेक्टली लाइव में पढ़ाई की, वो यूट्यूब के वीडियोस देख देख के उन्होंने बहुत सारी बातें सीख ली, और अब वो बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर पा रहे हैं, ऐसा भी हुआ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि पर्सनल टाइम देखे हम कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी में ये कोर्सेज डेवलप हो जाए
यूट्यूब पे और बाद में भगवत कृपा से रिसेंटली पॉडकास्ट पे भी आ गए हैं कोर्सेस। अब तो भगवत कृपा से वो सरल भगवत गीता बंगाली में भी कोर्स डेवलप हो रहा है, तेलुगु में भी हो रहा है और पंजाबी में भी हो रहा है। ऑलमोस्ट पंजाबी वाला तो कंप्लीशन पे है और तेलुगु और बंगाली वाला भी आई थिंक होपफुली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में एक सरल भगवत गीता का कोर्स पॉडकास्ट के थ्रू बंगाली में, पंजाबी में और तेलुगु में भी अवेलेबल हो जाएगा। मासेस को रीच करने के लिए हमें लगा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑडियो और वीडियोस के थ्रू भागवत गीता का ज्ञान बांटना ज्यादा आसान मुझे लग रहा था और प्रभु कृपा से उसका इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा है ना। तो सरल भगवत गीता बेसिकली कुछ और नहीं है, जो मेरी रियलाइजेशंस हैं प्रचार के थ्रू, जो मॉडल्स भगवान ने मुझे गिफ्ट किए, जैसे ABCD मॉडल, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इस तरह के मॉडल्स के साथ पहले आपको एक क्लैरिटी बनती है जिससे आप ये समझ पाओगे कि भगवद गीता से आप क्या सीखने वाले हो और बहुत सारी चीजें आपको करनी क्या है अपनी जिंदगी में। कई बार लोग भगवद गीता का पाठ करते रह जाते हैं लेकिन वो अपने जीवन में साधना को नहीं उतार पाते। कितने लोगों को आप जानते हैं जो साधना करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये लगा कि पहले मैं पढ़ाता था तो बहुत सारे लोग पढ़ते समय तो बड़े मोटिवेट हो जाते थे लेकिन बाद में उनकी जोश का टायर पंचर हो जाता था। तो बाद में रियलाइज हुआ ये हो इसलिए रहा है क्योंकि वो मेरे साथ जो जुड़ के एनर्जी उनको मिलती है उसी को डिवोशन मान लेते हैं, ना तो वो अपनी साधना करते हैं ना पर्सनल लेवल पे सेवा करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा मॉडल्स पहले से ही एक्सप्लेन होने चाहिए डिवोटीज को कि भाई आपका एक इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि आप सत्संग करो, बट उसके अलावा आपको अपनी साधना भी करनी है, आपको भी कुछ सेवा करनी है और अपने आप को सदाचारी भी बनाना है, ये आपका रोल है। तो अब ये हमने पाया कि सरल भगवद गीता का कोर्स जो लास्ट 6-7 ईयर्स में हम डेवलप कर पाए भगवत कृपा से, उसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो पाई है डिवोटीज की इन कंपैरिजन टू जो पहले होती थी। पहले डिवोटीज बहुत समय लेते थे, मेरा समय बहुत ज्यादा लगता था, मेरी मेहनत बहुत ज्यादा होती थी, उनकी मेहनत बहुत कम होती थी। अब क्या हो गया है कि मेरी मेहनत कम हो गई है, डिवोटीज ज्यादा हो गए हैं और डिवोटीज को समझाया जा रहा है कि भाई अपनी अपनी मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि आप मेहनत करोगे और फिर जो यहाँ से सीखी बातों के साथ जुड़ोगे तो आप जो है वो क्या बड़ा अच्छे से ग्रो कर पाओगे डिवोशनली। तो ये प्रिलिमिनरी मॉडल्स प्लस भागवत गीता के सिलेक्टेड वर्सेस, तकरीबन 260+ वर्सेस हैं इसमें, वो हम आने वाले 5-6 वीक्स में या 7 वीक्स में कंप्लीट करने वाले हैं भागवत कृपा से। तो भगवान से यही मेरी विनती है कि प्रभु मेरी बुद्धि में आए और भगवद गीता के इस ज्ञान को मैं अच्छे से सिंपल भाषा में आपके साथ शेयर कर सकूं और साथ साथ में आपकी बुद्धि में आए कि वो बातों को आप इजीली समझ सको और हृदय परिवर्तन आपका हो। तो हम समझते हैं पहले कि भगवद गीता होती क्या है। तो आज जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो अगर पूजा जी और शैलजा जी आप वीडियोस पे रहें और पहले हिंदी में हम करेंगे, पहला पॉइंट अगर आप रीड आउट करें, बस पहली लाइन रीड आउट करें। मानव जीवन एक सुनहरा अवसर है यह जानने का कि हम वास्तव में कौन हैं। एक नहीं, इससे पहले भी एक लाइन है, भगवद गीता इज अ इंस्ट्रक्शन मैनुअल विच टीचेस अस, वो लाइन पढ़िए। भगवद गीता एक निर्देशात्मक पुस्तिका है जो हमें सिखाती है कि मानव जीवन एक सुनहरा अवसर है यह जानने का कि हम वास्तव में कौन हैं। देखो पहले तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल का वर्ड ना आपको क्लियर होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या होती है। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फोन लिया या टीवी लिया और आपको चलाना नहीं आता, तो क्या आता है उसके साथ, एक एक बुकलेट होती है, उसको आप पढ़ते हो, अच्छा ये वाला बटन दबाने से ये होता है, ये वाला बटन दबाने से वो होता है, तो आप समझ जाते हो उसको यूज कैसे करना है, राइट। तो भगवद गीता क्या, कुछ नहीं समझ आया आपको अभी भगवद गीता के बारे में, तो एक लाइन एक वर्ड क्या समझो, भगवद गीता एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल है। किसकी इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल है, हमारी जिंदगी की इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल है। ये हमारे को एक गैजेट मिला हुआ है, गैजेट है ये, सबसे एडवांस्ड गैजेट कौन सा है आपके पास पता है क्या, आपका स्मार्टफोन या वॉशिंग मशीन या कार, क्या है आपका सबसे जबरदस्त गैजेट। सबसे जबरदस्त गैजेट है ये आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। बट क्या हमें पता है कि हम कौन सा बटन दबाते हैं तो एंगर आ जाती है, कौन सा बटन दबाते हैं तो पीसफुल हो सकते हैं, ऐसा कौन सा बटन दबाएं जो हैप्पी हो जाए, ऐसा कौन सा बटन दबा दें कि डिप्रेशन दूर हो जाए, हमें नहीं पता। तो भगवद गीता ही वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो आपको ये बताने वाली है कि ये भैया ये जो तुम्हें दिया है गैजेट, मैंने भगवान ने दिया है हमें सबको, ये गैजेट है, ये मशीनरी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेवल की, बड़ी सोफिस्टिकेटेड है ये, ठीक है। इसको आपने करना क्या है, इसका कैसे यूटिलाइज करना है इसको,
इससे आप ये सीखने वाले हो। तो पूजा जी पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट कीजिए। हरी बोल। मानव जीवन एक सुनहरा अवसर है यह जानने का कि हम वास्तव में कौन हैं। जी एक्सप्लेनेशन बढ़ी। हम आमतौर पर अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझते हैं, लेकिन हम वास्तव में एक आत्मा है जो जन्मों जन्मों तक जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र में फंसी रहती है। हम आत्मिक रूप से हमेशा यहाँ रहे हैं और जीवन में अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर को तब तक धारण करते रहेंगे जब तक हम खुद को एक आत्मा के रूप में पहचान नहीं लेते, जो कि सुपर सोल यानी परमात्मा का अंश है। एक इंसान के रूप में जन्म लेने के कारण हमारे परम पिता भगवान ने हमें अपने वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर दिया है। भगवद गीता द्वारा भगवान के दिए गए निर्देश हमें स्वयं को जानने में मदद करते हैं। हरि हरि बोल। चल जारी। भागवत गीता इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल विच टीचेस अस द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ विच इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो हु वी एक्चुअली आर। एक्सप्लेनेशन। वी यूजुअली आइडेंटिफाई अवर सेल्व्स विद अवर बॉडी, बट वी आर एक्चुअली अ सोल हु इज ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ बर्थ्स आफ्टर बर्थ। वी हैव ऑलवेज बीन हेयर एंड विल रिमेन हेयर इन डिफरेंट बॉडीली आइडेंटिफिकेशंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्शंस वी परफॉर्म इन अवर लाइफ अंटिल वी आइडेंटिफाई अवर सेल्व्स एज अ सोल हु इज अ पार्ट ऑफ सुपर सोल। बींग बोर्न एज अ ह्यूमन बींग गॉड अवर सुप्रीम फादर हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड ऑन द डिवाइन पाथ टू नो अवर रियल सेल्फ। भागवत गीता द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लॉर्ड श्री हरि हेल्प्स अस टू अचीव द सेम। तो भगवत गीता से एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको क्या लेनी है, क्या सिखाना है भगवत गीता ने हम सबको? भगवत गीता ने हम सबको ये सिखाना है कि भाई आप हो कौन, मैं हूं कौन। अपनी आइडेंटिटी के बारे में अगर आप क्वेश्चन पूछो, या मैं नितिन जी अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं आप कौन हो, तो चार पांच कॉमन आंसर इंसान क्या देता है? नितिन जी मैंने आपसे पूछा कौन है आप, निखिल जी नॉर्मली हम ये कहते हैं, मैं नितिन हूँ, अपना नाम बता देते हैं, मैं इनका बेटा हूँ, माता पिता का नाम बता देते हैं, मैं इंडियन हूँ, या मैं एक एडवोकेट हूँ, डेजिग्नेशन बता देते हैं, या मैं चंबा से बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से हम अपनी पहचान बताते हैं। देखिए आप नितिन हो या नितिन एक नाम है शरीर का जो आपके पेरेंट्स ने या फैमिली मेंबर्स ने दिया, क्या है सच? रियलिटी में तो वो एक नाम है जो इस बॉडी को मिला हुआ है, जो पेरेंट्स ने ठीक है। दिया। और जो आप वकील हो या वकालत आपका एक प्रोफेशन है जिससे इस जन्म में आप अपना खर्चा पानी निकाल रहे हो। वकालत मेरा प्रोफेशन है, ना कि बेसिकली जिससे मैं अपना खर्चा निकाल रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। ठीक है। अभी आपने कहा मैं इंडियन हूं, अब देखिए पहले मैं इंडियन था, अब मैं ऑस्ट्रेलियन बन गया क्योंकि मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये सारी पहचान जो हम कहते हैं, सारी की सारी पहचान, कौन सी पहचान दे रहे हैं हम? अपनी शरीर से जुड़ी हुई पहचान हम दे रहे हैं। तो फिर पिछले जन्म में क्या थे हम? अब क्वेश्चन आया, आप पास्ट के बारे में सोचने की आपको आदत है, जरा सोचो पीछे पास्ट में जाओ। आप यही क्यों सोचते हो कि 10 साल पहले मेरी मदर लॉ ने मुझे ये क्यों बोला था? थोड़ा उससे पीछे जाओ, और जब आप बच्चे थे फिर उससे पीछे जाओ, तो आप माँ की कोख में थे, उससे पहले कहाँ थे आप? अब दो पहचान अपनी, सारी ये पहचान खत्म हो गई है आपकी, जो आप दे रहे थे कि मैं निखिल हूँ, मैं नितिन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, खत्म हो गया। आप सडनली कोई आंसर नहीं है मेरे पास और आपके पास। जो भी पहचान अभी तक आप अपनी मानते आ रहे हो, वो शरीर से जुड़ी पहचान है जो कि टेम्पररी है। देखिए एक लड़की की शादी से पहले वो गुप्ता सरनेम था उसका, बाद में शर्मा परिवार में उसकी शादी हो गई, तो उसका नाम क्या बन गया? उसने सरनेम क्या लगा दिया? शर्मा। नाम तो बदल गया। ठीक है, प्रोफेशंस भी बदलते हैं, कोई जॉब करता है बाद में बिजनेसमैन बन जाता है। ठीक है, जो भी चीजें आपकी बदलती जा रही हैं, भैया शरीर ही बदलता जा रहा है, तो उससे जुड़ी जो पहचान है वो आपकी असली पहचान नहीं है। ऑफकोर्स सामाजिक जीवन में आपको ये तो बोलना पड़ेगा मेरा नाम क्या है एक्स वाई जेड, बट आध्यात्मिक रूप से वो आपकी पहचान नहीं है। तो भगवत गीता क्या सिखाने वाली है आपको सबसे पहले, कि भाई अपनी पहचान तो जानो, तुम परमात्मा का एक अंश हो।
अच्छा आप ये बताओ, पिछले जन्म में आप अंश थे या ये इसी बार की बात है? पिछले जन्म में क्या आप नितिन थे या वकील थे नितिन जी आप, या मुझे और आपको पता ही नहीं है? जी हमें पता नहीं है हम क्या थे, ये याद नहीं रहता किसी को भी। लेकिन अगर आप आत्मा वाली पहचान पकड़ लो कि आप आत्मा हो या मैं आत्मा हूं, हम भगवान के अंश हैं, तो क्या पिछले जन्म में थे हम या वो कुछ अलग था हम पिछले 10 जन्म पहले और 1000 जन्म पहले? देखिए रियलिटी तो यही है कि हम अगर ये मान के चलें और ये समझ लें कि हम एक सोल हैं, तो हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, फिर इमोर्टैलिटी की बात आ जाती है। ये हमारी रियल ट्रू आइडेंटिटी है। हम दुखी क्यों हो रहे हैं समाज में, हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने अपनी पहचान शरीर से बना रखी है, और बिकॉज शरीर दुखों का घर है, तो शरीर ने खुद अपने भी जाना है, दूसरों के शरीर ने भी छोड़ना है इस वर्ल्ड को। तो फिर क्या होगा, आप हमेशा ही दुखी रहोगे, किसी न किसी चीज को लेके आपने परेशान रहना है। आपको और मुझे ये ह्यूमन लाइफ क्यों दी है भगवान ने, मनुष्य योनि क्यों दी गई है हमें? क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की। क्या करने के लिए, आप नेटफ्लिक्स पे बैठ के मूवीज देखो चॉइस है, आप अच्छे से एक्सपेंसिव ब्यूटी पार्लर में रेगुलरली जाके मेडिक्योर और पेडिक्योर करवाओ, चॉइस सी आप ब्रांडेड क्लोथ पहना करो, चॉइस डी आप बहुत फेमस हो जाओ, या चॉइस ई आप ये पहचानो आप करने क्या आए हो यहाँ पे, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में क्यों फंसे पड़े हो आप, क्या है आपकी चॉइस? अगर आपकी चॉइस ई है, ये दिस इज द राइट चॉइस, ये भगवत गीता सिखाने जाती है कि आप आए क्या आप करने भाई, इसको जानो क्यों आ रहे हो आप बार बार यहाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या आपका डिवोर्स हो गया है, या आप बीमार रहते हो, या आपका बेटा नहीं होता है, ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप दोबारा यहाँ आई जा रहे हैं, बार बार घूमी जा रहे हैं, और हर बार आते हैं, हर बार अपने आप को शरीर मानते हैं, फिर शरीर से जुड़ा हुआ जो सपना दिखता है उसको सच मान लेते हैं, फिर उससे जुड़े हुए हंसते हैं, में कभी खुशी कभी गम में खो जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा आते हैं, और इस विशेष साइकिल में हम करोड़ों जन्मों से घूमते जा रहे हैं। तो भगवद गीता क्या करने वाली है, जैसे आप भूल भुलैया में खोए हो ना, तो एक कोई पर्सन हो अगर जो आप भूल भुलैया से बाहर निकलना जानता हो, है ना, जिसने वो भूल भुलैया बनाई हो, राइट? तो उसकी बात अगर सुन लोगे आप तो क्या होगा, भूल भुलैया में फंसे रहोगे नितिन जी, चांसेस बेटर है अब आपके निकलने के, क्या हो जाएगा आपके साथ, राइट? निकलने के चांसेस बेटर हैं अगर हम सुन लें उसकी बात जिसने पूरा ये डिजाइन किया हुआ है, अदरवाइज घूमते रहेंगे। तो ये भूल भुलैया किसने बनाई है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये भूल भुलैया भगवान ने बनाई है भाई। और उनकी जो बातें हैं वो भूल भुलैया की जो इंस्ट्रक्शंस है कि इससे बाहर कैसे निकलना है, राइट, वो कहाँ है, वही है भगवद गीता। आपने बच्चों की ना गेम्स भी, बोर्ड गेम्स भी आती है ऐसी, उसमें ना ट्रैप में हो जाता है, या कई बार ऐसी ऐसी जगहें बनी होती है जहाँ एक्सटर्नली फिजिकली भी ना अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, जहाँ भूल भुलैया होती है, और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होती है निकलने की, बाहर एक आपको मैप दे देंगे, अच्छा ऐसे 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 निकलना है बाहर, वही है भगवद गीता। ये जो आप ट्रैप में फंसे पड़े हो, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, अपने आप को शरीर मानते हो, भगवद गीता आपको सिखाने वाली है, बेटा तुम मेरे अंश हो, तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो मेरी तरह, तुम जैसे मैं सच्चिदानंद हूं तुम भी आनंद में हो भाई, तुम बाहर खोजी जा रहे हो उस आनंद को, तुम्हारे अंदर ही हूं मैं। ये बातें आपको भगवद गीता सिखाने वाली है। हरी हरी बोल। पॉइंट नंबर टू प्लीज। श्री भगवान हरि के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सर्वोत्तम तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें, और अंत में अपने वास्तविक अस्थायी घर यानी वैकुंठ गोलोक वापस कैसे जाएं? व्याख्या: हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे सर्वोच्च पिता भगवान श्री हरि के अलावा और कोई नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री हरि के नेतृत्व में हम सर्वोत्तम संभव तरीके से अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इस तरह हम आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्थायी घर यानी गोलोक धाम तक पहुंचने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। हरि हरि बोल। How to perform our duties in the best possible manner under the direct guidance of Sri Lord Hari and ultimately going back to our real permanent home, Godhead, Vaikunth, Golok. Explanation.
Each one of us wants to perform well, in fact, best in every sphere of our life. But for that, we need the best guidance, which can come from the best, who is none other than our Supreme Father, Lord Sri Hari, under whose guidance we can perform all our duties in the best possible manner. This way, we as soul can move ahead to reach our real permanent home called Golok Dham. थैंक यू पूजा जी एंड शैलजा जी. देखिए क्या होता है ना, कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ड्यूटीज को वर्स्ट तरह से करना चाहता है, या सबके अंदर यही डिजायर होगी कि हम अपनी ड्यूटीज को, चाहे फादर मदर, चाहे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे एज ए रोल एज ए डॉक्टर या एज ए डेंटिस्ट, एज ए वकील, एज ए शॉपकीपर, आर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, डिजायर क्या होती है वैसे सबके अंदर, कर पाते हैं नहीं पाते वो क्वेश्चन अलग है, बट डिजायर क्या होती है हमारी, बुरे बनने की डिजायर होती है हम सबके अंदर, कुछ क्या अच्छे से काम करने की डिजायर होती है, डिजायर क्या होती है, हम चाहते तो है हम बेस्ट तरह से करें, हम चाहते तो है, बट देखिए अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज बेस्ट तरह से करनी हो ना, तो आपको क्या बेस्ट गाइडेंस चाहिए. अगर कोई क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ा, या कोई स्विमिंग में बहुत आगे बढ़ा, किसी भी फील्ड में कोई आगे बढ़ा, तो उसको एक बेस्ट कोच की रिक्वायरमेंट होती है. अगर उसको बेस्ट कोच मिल जाएगा ना उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो वैसे ही हम करना तो चाहते हैं बेस्ट पॉसिबल तरह से ड्यूटीज, बट हमें बेस्ट गाइडेंस भी तो चाहिए ना. तो बेस्ट गाइडेंस कौन दे सकता है हमें, जो खुद ही बेस्ट है. बेस्ट कौन है, कोई भी इंसान बेस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हम सबके अंदर कमियां बहुत है. तो बेस्ट होता है भगवान स्वयं, बिकॉज वो इम्परफेक्शन से ऊपर है, वो दिव्य है. और उनकी बेस्ट गाइडेंस क्या है, वो बेस्ट गाइडेंस ही तो भगवद गीता है भाई. तो भगवान की बेस्ट गाइडेंस जब आप लोगे, तो सबसे पहले तो आप आज के जीवन में अपनी ड्यूटीज को बेस्ट तरह से कैसे परफॉर्म करना है वो सीखोगे. ठीक है, भगवद गीता ही परफेक्ट क्वेश्चन और आंसर बुक भी है, क्योंकि अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कंफ्यूज ह्यूमन बीइंग्स को, और वो क्वेश्चंस पूछ रहा है भाई कैसे करें, ड्यूटीज कैसे करें, ये कैसे करें, वैसे करें, राइट, मन काबू में नहीं आता. और भगवान ही परफेक्ट है इसलिए वो परफेक्ट आंसर्स देते हैं. तो भगवान के परफेक्ट आंसर्स जब हम सुनते हैं, अर्जुन की देखिए इसमें बड़ी कृपा हुई हम पे, कि अर्जुन ने कंफ्यूजन से वो क्वेश्चंस पूछे. ठीक है, तब हम सीख पाते हैं कि हमने अपनी ड्यूटीज को बेस्ट तरह से करना कैसे. नहीं तो हर बंदा लगा पड़ा है फल की इच्छा, पहले काम बाद में, तो फंसे रहते हैं, फिर हम टेंशन भी जाते हैं, फिर एंग्जाइटी जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा आगे वाला फेज आसान होने वाला है. बट सोच के देख लीजिए मैक्सिमम लोगों की उम्र के साथ क्या हो रहे हैं, हम लोग टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने भगवान की बातें मान के जीते हैं, या हमने भगवान ने बताया जैसा वैसा नहीं जी रहे हम सब. भगवान ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, हमने कहा नहीं, हम पहले फल की इच्छा करेंगे और उसके बाद काम करेंगे. भगवान ने कहा मुझे स्मरण करते हुए हमेशा याद किया करो, नहीं, हम हमेशा फलों को याद करेंगे और फिर काम करेंगे. ठीक है, भगवान ने कहा टाइम वेस्ट मत करो बेटा, नहीं, मैं शपथ खाता हूं कि मैं टाइम वेस्ट जरूर करूंगा, बट जैसी भक्ति की बात होगी, मेरे दोस्त बोलेंगे डिवोशन करो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं. फिर हम बोलते हैं कि हम इस भूल भुलैया में खोए हुए हैं, थपेड़े क्यों खा रहे हैं हम. भाई आप थपेड़े इसलिए खा रहे हो क्योंकि जिसने ये सिस्टम बनाया है, राइट, आप उससे पंगा ले रहे हो टोटल. जो बताया जा रहा है आपको करते ही नहीं आप, मतलब आप सोचाते हो कि एक नौकरी में आप एक प्रमोशन मिले आपको, बट आप ना बॉस को नाराज करते रहते हो हर समय. नितिन जी कोई लॉजिक लग रहा है आपको, आप एक जॉब पे प्रमोशन चाहते हो लेकिन आप बॉस के साथ ही पंगा लेते रहते हो हर समय. हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं एक्चुअली. बॉस को प्लीज करना होता है, उनकी गुड बुक्स में आना होता है, ना कि उनको एजिटेट करते रहना, या जो वो गाइड कर रहे हैं या जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा. बट लाइफ में वैसे हम उल्टा करते जा रहे हैं, जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे. भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो कैसे पता चलेगा, भगवान की बातें भाई भगवत गीता में सुनोगे समझोगे तब पता चलेगा ना कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. अभी हम बताते हैं मंदिरों में जाके, भगवान मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे ये दे दो, दिस इज नॉट व्हाट इज भक्ति. हम दास हैं, हमें जानना है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमें सेवा करनी है ना उनकी. तो जब हम उनके बारे में कैसे जानेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे समझेंगे तब पता चलेगा, अच्छा ये ड्यूटीज बनती हैं हमारी, ड्यूटीज को इस तरह से करते हैं तब होती हैं ड्यूटीज बेस्ट तरह से. ड्यूटीज इस तरह से होती है जिसमें सेवा भाव आए,
ड्यूटीज होनी चाहिए निष्काम भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए। अभी तक तो हम अपने समाज को खुश करने के चक्कर में पड़े हैं और हम इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना चाहते हैं। आज तक समाज को कोई सुखी नहीं कर पाया, किसी पर धर्म को जानते नहीं थे। आपने जी बहुत ही फेमस वकील हो, आपसे तो सारे खुश हो गए होंगे, राइट? सारी दुनिया खुश हो गई होगी आपसे, हो गई है सारी दुनिया खुश आपसे? ये ऐसा नहीं होता, आप कभी भी किसी को फुल टाइम खुश नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं एडवोकेट हूं तो अगर मैं अपने क्लाइंट को खुश कर लूंगा तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, समटाइम्स मेरा क्लाइंट दुखी हो जाएगा, समटाइम्स मैं दुखी हो जाऊंगा अपने क्लाइंट के साथ डील करके। और सबको अगर खुश कर भी लिया तो कई बार घर वाले दुखी हो जाएंगे, भैया क्लाइंट्स को ही ध्यान देते हो और समय हमारे साथ भी बैठ लिया करो। तो ऐसा नहीं हो सकता, हम ह्यूमन लेवल पे एक्चुअली किसी को खुश नहीं कर सकते। हम तब तक ना खुश कर सकते और ना खुद खुश रह सकते, तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक हम श्री हरि के चरणों में जुड़ेंगे नहीं। तो अब बेस्ट तरह से ड्यूटीज कौन सिखाएगा हमें करना? कोई भी स्कूल कॉलेज याद कर लीजिए, आपको ये तो बताया फिजिक्स केमिस्ट्री अलजेब्रा नौकरी कैसे लेनी है, बट ये किसने बताया कि ड्यूटीज कैसे करनी है? ये रोल भगवद गीता क्या है मेरे और आपके जीवन में? और देखिए, क्या मुझे और आपको, आपको गोवा जाना होता है या पटना जाना होता है या कानपुर जाना होता है या अमेरिका जाना होता है, तो आप कहीं प्लानिंग करते हो या ऐसे ही पहुंच जाते हो एकदम सडनली? आपको शरीर छोड़ के जाना है एक दिन, क्या आपको कॉमन सेंस नहीं लग रही कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए आपको, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है आपके लिए कि आपको एक दिन शरीर छोड़ देना है? आप भाई थोड़ा सा यहाँ से इधर उधर बिजनेस ट्रिप पे जाते हो, बुकिंग्स करवा रहे हो, होटल्स के बारे में सोच रहे हो, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं लगती ना आपको? कहीं जा रहे हो, थोड़ी प्लानिंग करते हो ना उसकी, बट क्या आप इस बात की प्लानिंग करते हो कि आपने एक दिन शरीर छोड़ देना है? कहाँ जाओगे आप? अब प्लानिंग तो करते हो, फ्यूचर फ्यूचर भी कहाँ सोचोगे, हाय मेरे बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी? और भाई उसके आगे भी तो जाओ, आपने शरीर छोड़ना है ना एक दिन, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो आप, थोड़ा सा आगे सोचो ना, क्या सच दिखेगा आपको? फिर मृत्यु दिखेगी अपनी। तो मृत्यु के बाद हमने दोबारा कहाँ जाना है, क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है। और अगर हम भगवान की बातें मान के अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं भगवान से जुड़े रह के, तब भगवान कहाँ की सिटीजनशिप दे देते हैं हमें? तब भगवान के धाम की सिटीजनशिप मिल जाती है, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ऊपर है, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं। और वैकुंठ धाम में सबसे टॉप पे गोलोक धाम है, जो भगवान की प्राइवेट लाइफ है। तो वहां पहुंचने के बाद आप दुखाले से मुक्त हो जाते हो और कोई भी बीमारियां दुख आपको परेशान नहीं कर सकते, वहां इटर्नल लाइफ है, वहां पे अमर हो जाते हो आप। ये लाइफ का अल्टीमेट लक्ष्य है, इस बात को समझ पाना कि आप और मैं, हम भूल भुलैया में फंसे पड़े हैं, और अगर हम इस तत्व को नहीं जानेंगे और यहाँ आएंगे और रोटी कपड़ा मकान की गेम में ही खो जाएंगे, फिर दोबारा जन्म होगा। और जरूरी नहीं है हर बार आपको ह्यूमन लाइफ ही मिले, अगर आप भगवान की इंस्ट्रक्शंस के विपरीत जाते हो तो क्या हम दोबारा से घोड़े गधे पेड़ कुछ भी बन सकते हैं? यस, बन सकते हो आप। ऐसा नहीं सोचना है आपकी ह्यूमन लाइफ मिल गई बस इसके ऊपर ही जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। प्रमोशंस भी होती है तो डिमोशंस भी होती हैं इस रास्ते पे। डिमोशंस इस तरह से हो सकती है कि अगर आपने भगवान की बात ही नहीं मानी, उल्टी सीधी हरकतें करते रहे, तो ये भगवान बोले यार ठीक है यार, तूने अगर ऐसी हरकतें करनी है तुझे ना, मैं जानवर वाले शरीर में डालता, तू वहां जाके करिए सब, ठीक है? तो समझिए, ड्यूटीज को बेस्ट तरह से करना भगवान के साथ जुड़े रहकर। और हमें और मुझे और आपको कभी नहीं पता होता शरीर कब छूटने वाला है, और अगर हम भगवान की बात मान के ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो भगवत धाम की एंट्री मिलेगी। भगवान को बुला के ड्यूटीज करते हो तो फिर क्या मिलेगा? बिकॉज आपके अंदर संसार चल रहा है, आपको फिर से संसार में आना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज आपके हस्बैंड से नहीं बनती, ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास अपार्टमेंट अपना नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नौकरी पसंद की नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है भाई। प्रॉब्लम ये है कि आप दोबारा से इस जन्म में आओगे और फिर दोबारा जन्म लोगे तो उसके पैकेज में आपको फिर सुख और दुख मिलते हैं। और ये भी हो सकता है कि आज आप बहुत वेल प्लेस थे और आप संसारिक जीवन से कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते रहे, और अगला जो जन्म मिला आपको वो इससे बहुत खराब हो, ये हो सकता है भाई, हुआ है, शास्त्र में एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। भारत जी जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया, वो हिरण के मुंह में खो गए, अगला जन्म हिरण का मिल गया उनको, ठीक है? तो ऐसा नहीं, एक राजा थे वो महाराजा, ठीक है?
तो ऐसा नहीं होता कि आप प्रमोशन से मिलती रहेंगी आपको. इसलिए टेक योर लाइफ वेरी सीरियसली, डू नॉट वेस्ट टाइम. पहले भगवद गीता आपको ड्यूटीज करना सिखाएगी और फिर डिवोशनली ड्यूटीज परफॉर्म करते प्रभु का गुणगान करते हुए जब जीवन जियोगे, फिर आपको फाइनल एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है. क्योंकि फाइनल एग्जाम यानी डेथ एक सरप्राइज टेस्ट है. सरप्राइज टेस्ट से कौन से बच्चे नहीं डरते? जो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं उनको सरप्राइज टेस्ट से कोई चिंता नहीं होती. लेकिन जो हमेशा पढ़ाई को लटकाते हैं उनके साथ क्या होता है, सरप्राइज टेस्ट आ जाए तो उनके पसीने छूटते हैं. वैसे ही आप नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा करते रहोगे, एग्जाम से कोई टेंशन नहीं होने वाली आपकी मृत्यु से. मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाओगे. 2 से 4 साल रेगुलर ले लीजिए आप गोलक एक्सप्रेस में, आप खुद एक्सपीरियंस करना शुरू करो, आपको मृत्यु से डर लगना बंद हो जाएगा. और आसपास में किसी की मृत्यु होगी तो वैसा शोक नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था. मृत्यु के भय से ऊपर उठा देगी आपको भागवत गीता, जो कि सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय. मृत्यु का भय, और उससे बड़ा भय ये होना चाहिए आपका कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं ह्यूमन लाइफ में से छीन ली जाए और मैं कहीं फिर ये छिपकली बन जाऊं या सांप बन जाऊं या घोड़ा बन जाऊं, राइट, पेड़ ही ना कहीं बन जाऊं. ठीक है, इन बात तो सोचना है आपको. फ्यूचर के बारे में टेंशन लेनी है तो लिया करो ना टेंशन. ये क्यों नहीं लेते आप टेंशन की आपका शरीर छूटने वाला है एक दिन. टेंशनें भी आपको संसार की लेनी होती है. इस करोड़ों जन्मों में से ये एक जन्म आपका 1 सेकंड का टाइम है टोटल. आप 1 सेकंड की टेंशनें ले रहे हो, जो आपकी करोड़ों जन्मों की यात्रा चल रही है उसके बारे में आप टेंशन नहीं ले रहे, इसलिए हम फंसे पड़े. तो भागवत गीता हमें हेल्प करेगी समझाने के लिए कि हर एक ड्यूटीज को परफॉर्म कैसे करते हैं और फिर भगवत धाम की प्राप्ति कैसे करते हैं, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. हरी हरी बोल. इस दुनिया में रहने का शांतिपूर्ण, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण तरीका और इस पूरी दुनिया की सराहना एक परिवार के रूप में करना. व्याख्या. श्रीमद् भगवद गीता हमें खुद को निष्पक्ष रखकर पूरी दुनिया के साथ सद्भाव से रहना सिखाती है और इस तरह जीवन की सभी परिस्थितियों में हम स्थिर और हर्षित रहते हैं, भले ही यह स्थितियां आरामदायक हों या कठिन हों. हमें भगवान श्री हरि की इच्छा के प्रति स्वीकृति होनी चाहिए और उन्होंने हमारे लिए जीवन में जो भी निश्चित किया है उस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए. हमें खुद को अपने परम पिता भगवान श्री हरि के बड़े परिवार का हिस्सा समझना चाहिए और इसी भाव को दिल में रखते हुए संपूर्ण दुनिया के साथ प्रेम व सद्भाव से रहना चाहिए. हमें ना तो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करनी चाहिए और ना ही दूसरों के दुख में खुशी महसूस करनी चाहिए. हरी हरी बोल. A peaceful, happy and harmonious way to live in this world and appreciate this whole world as one family. Explanation. Bhagavad Gita teaches us to live in harmony with the entire world by keeping ourselves neutral and thus peaceful and happy in all situations of life, irrespective of them being comfortable or painful. We should have acceptance towards the Lord Hari's will and should have complete faith in what he has decided for us. We should accept ourselves as a part of a bigger family of our Supreme Father, Lord Shri Hari, and thus live in harmony with the entire world. We should neither be jealous or envious of the success of others, nor should we feel happy or comfortable when others are in pain. हरी हरी बोल. हरी बोल. चंचल जी बताओ, स्कूल में हमें ये पढ़ाया था कि पीसफुल कैसे रहते हैं, हैप्पी कैसे रहते हैं. आप और मैं तो सेम स्कूल में ही पढ़े हुए हैं. याद आ रहा है कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमें सिखाया जाता था तालमेल कैसे बनाते हैं सबसे? अगर आपको याद आ रहा है तो बताओ, मुझे तो याद नहीं आ रहा. नहीं भैया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया ऐसे. पेरेंट्स ने हमें ऐसे सिखाया कि मन शांत कैसे रखना है, हैप्पी कैसे रहते हैं. कोई ऐसा याद आ रहा हो हमें इंटरेक्शन की, हमें आधे घंटा इस पे बात की गई हो? ये तो बातें हमें याद आ रही होगी, खाने में क्या खाया, मौसम कैसा है, ये तो बातें याद आ रही होगी, राइट? कपड़े कौन से पहनने हैं हमें पार्टी में, कोई ऐसी बात याद आ रही है आपको? फैमिली में हमने कोई डिस्कशन की हुई है पीसफुल कैसे रहते हैं, तालमेल कैसे बनाया जाए? ठीक है, ये कहीं नहीं सिखाया जाता. ये जो नहीं सिखाया जाता कहीं आपको वर्ल्ड में, वही भागवत गीता आपको सिखाना चाहती है कि भाई आप जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन बना लो शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर वो गॉड सेंट्रिक नहीं होंगे तो एक दूसरे पे ना कुर्सियां उठा के मारने वाले लोग,
राइट, ऐसा होता है ना, आप देखते हो जो मिनिस्टर्स बने हुए वहां पे, कई बार देखा है आपने वहां पे लोकसभा के अंदर क्या चल रहा होता है, जिनको आप पूरी हाई क्लास जेंट्री कहते हो समाज की, या कई बार आज तक वगैरह पे ना आपको हंसी भी आती जब इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, नितिन जी कभी देखा है आपने इतने बड़े हाई लेवल के हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स होते हैं, जब वो बात करते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल कई बार हैरानी होती है कि जिनको एक्चुअली हम बड़ा बोल देते हैं, पावरफुल बोल देते हैं, या जो हमें लीड कर रहे हैं वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, शायद वो बच्चों से भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उस तरह के बिहेवियर होते हैं, मतलब झगड़ालू घमंडी उधर से मच्छी मार्केट का माहौल भी लगता है। कई बार मैं घर पे लिया गया हूँ, एक आला टीवी चला रहा, प्लीज बंद कर दो यार, टॉर्चर है मेरे लिए, इतना अशांति होती है उसके अंदर। इसलिए आपकी सामाजिक जीवन में आप कहीं भी पहुंच जाओ, होने क्या वाला है, आप घमंडी होने वाले हो, आप शोषण करोगे। समाज में करप्शन क्यों है ये बताइए, क्यों ऐसा होता है कि एक डॉक्टर कुछ कर देता है, या वकील कुछ कर देता है, या दुकानदार चोरी कर देता है, एक बंदा मिनिस्टर बनता है तो सोचता है मैं अपने भाई को नौकरी लगा दूं, क्योंकि हर एक बंदा संसार में अहंकार में, मोह में, ईर्ष्या में, वासनाओं में फंसा पड़ा है भाई, लालच में। अब अगर हर बंदे को लगता है, मान लीजिए अगर मैं ये सोचता कि ये नितिन भैया और निमिष जी मेरा परिवार है और आप लोग मेरा परिवार नहीं हो, तो फिर मैं आपको टाइम क्यों दूं, मेरे को क्या मिल रहा है भाई, मैं क्यों टाइम दूं, मेरा क्या भला होगा इसमें, मेरा क्या फायदा है। नितिन जी मैं और आप टाइम क्यों दे रहे हैं लोगों को भाई, ये कौन है, हमारे चाचा ताया तो है नहीं हमारे, क्यों दें इनको टाइम, दुनिया की नजर में तो बेवकूफ है कि क्यों दे रहे हैं टाइम, इतनी अगर मेहनत आप किसी बिजनेस को चलाने में करोगे तब तो अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हो, तो ये जो टाइम दे रहे हैं ये एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम है, नथिंग एल्स, दुनियादारी की नजर में देखा जाए। कृष्णा कुछ और कहते हैं, कृष्णा कुछ और चाहते हैं, तो भगवद गीता एक्चुअली हमें सिखाएगी भाई, आप ये जो वर्ल्ड को ना एक फैमिली के रूप में देखने की कोशिश करो। हम आपको समय क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो हमारा समय नहीं है, हम ये समझ चुके, ये समय भी भगवान ने दिया है हमें। और आप सब कौन हो, आप सब भी मेरे भाई और बंधु ही हो, भाई हो, बहने हो, चाची जी हो, ताई जी हो, सारे हमारे रिलेशन हैं। क्योंकि अगर भगवान वाली दृष्टि से देखो तो हम सब आत्माएं और एक ही फादर है हमारे, और मदर है वो भगवान है, तो उस रिलेशनशिप से देखें तो हम सब कौन हुए, हम सब भाई बहन बंधु हुए। अब आप चीटिंग नहीं करना चाहोगे, करप्शन क्यों होती है, आप लगता है ये मेरा परिवार है वो अलग है, अच्छा मैं अपने परिवार के फायदा करने के लिए, राइट, क्योंकि मेरी वाइफ को मुझे ओवरसीज हॉलीडे करवाना है, तो अगर मैं ये फार्मेसी वालों की बात मान लूं और ये महंगी दवाइयां जबरदस्ती रेफर करना शुरू कर दूं तो मेरे को तो पैसा मिल ही जाएगा ना, मैं ओवरसीज ट्रेवल कर लूंगा ना, उसमें आप इस पूरी प्रोसेस में ये भूल जाते हो ना कि आप वो भी तो आपकी फैमिली है ना, और वो भगवान है जो आपको देख रहे हैं ना, और आप दूसरों का नुकसान पहुंचा रहे हो, वो भी तो आपका ही परिवार है ना, ये नहीं देख पाते हम, क्योंकि हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल गई है कि हमें सबके बारे में सोचना है, हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि मन शांत कैसे होगा। देखिए भगवान ने एक श्लोक में भगवद गीता में बता दिया, सिंपल, खुशी की कोई संभावना नहीं है अगर तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, और मन शांति की कोई संभावना नहीं है अगर तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, और स्थिर मन की कोई संभावना नहीं है अगर तुम्हारी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, और बेटा बुद्धि तुम्हारी दिव्य नहीं हो सकती अगर तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ स्ट्रांगली जुड़े नहीं हुए। तो भगवान के साथ जुड़े रहोगे तो मन बुद्धि दिव्य होगी, मन स्थिर होगा, मन में शांति आएगी, और शांति होगी तो खुशी होगी, और ये जो खुशी है ये आनंद है, इसका आपके बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो, या ऊंची जाति के हो नीची जाति के हो, आपको लोग सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। तो ये सारी बातें कि ट्रू सेंस में पीस कहां से मिलेगी, अभी हमें लगता है कि मेरे मन के मुताबिक संसार चलना शुरू हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरी बात मान जाए, मेरे बच्चे मेरी बात मान जाए, मेरे को वो कार मिल जाए जो मैं डिजायर कर रहा हूं तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, राइट, और एक दूसरे की सक्सेस देखे, मैक्सिमम लोग जलते हैं भाई, लोग काला जादू तक करवा देते हैं कि दूसरा बंदा बर्बाद हो जाए। तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी डिग्री है जो आपकी ईर्ष्या का नाश कर सकती है, कोई डिग्री पढ़ी है आपने ऐसी जो आपकी ईर्ष्या का नाश कर दे, वो डिग्री है भगवद गीता जो आपकी ईर्ष्या को खटाएगी, खत्म करेगी।
जो आपकी काम करो लोभ को मारेगी। जब तक ये राक्षस हमारे अंदर है, चाहे बाहर से आप जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लो, ब्रांडेड क्लोथ पहन लो, जो सी मर्जी गाड़ी में बैठ जाओ, बट अंदर से आप क्या रहने वाले हो? एक स्वार्थी अहंकारी इंसान रहने वाले हो, जिसने दूसरों को दबोचना है, शोषण करना ही करना है आपने, करना ही करना है आपने, क्योंकि अंदर राक्षस बैठे हैं ना। तो आप करोगे उल्टे काम। तो भागवत गीता वो डिग्री है जो आपके अंदर की सफाई करेगी। जब अंदर की सफाई होगी, देखिए मन की अवस्था है ये, शांति और सुख का अनुभव, अनुभव अनुभूतियां है ना, ये फीलिंग्स है ये। तो भागवत गीता वो डिग्री है जो आपकी इनर इंजीनियरिंग कर देगी, आप परमात्मा से जुड़ जाओगे और आप ट्रू सेंस में शांति का और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करोगे और सच में ये देख पाओगे कि आपको किसी को दुखी देख के ना आपके दिल में करुणा जागती है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करना चाहते हो, ईर्ष्या का नाश हो जाएगा, दूसरों को तरक्की करते देखोगे अच्छा लगेगा आपको, सारे भाव बदल देती है भगवद गीता की ये डिग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। संपूर्ण सफलता, खुशी और आनंद का वास्तविक अर्थ, व्याख्या। हम आमतौर पर सफलता को पैसे और शान शौकत से जोड़ते हैं। अगर कोई महंगी गाड़ी व शानदार घर में बैठा है तो लोग उस व्यक्ति को दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति अत्यधिक चिंता और तनाव की स्थिति में है तो वास्तविक अर्थों में इसे सफलता नहीं कहा जा सकता। जब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो हम हर उस चीज की सराहना करनी सीखते हैं जो हमारे पास होती है, जिससे हर अनुकूल व प्रतिकूल स्थिति में हमें आंतरिक स्तर पर खुशी व संतुष्टि महसूस होती है, और इस प्रकार हम संपूर्ण अर्थों में सफलता प्राप्त करते हैं। हरि हरि बोल। रियल मीनिंग ऑफ कंप्लीट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। वी यूजुअली एसोसिएट सक्सेस विद मनी एंड लग्जूरियस कंफर्ट। इफ समवन इज सिटिंग इन अ कॉस्टलीस्ट कार, पीपल सी दैट पर्सन एज द लकीएस्ट वन इन द वर्ल्ड। बट इफ दैट पर्सन इज इन एक्सट्रीम एंग्जाइटी and in the state of depression, it cannot be called success in real sense. When we read Bhagavad Gita, we learn to appreciate what we have, which keeps us happy and comfortable at the inner level in all situations and thus make us successful in the complete sense. Hari Hari Bol. Calls ko mute rakhe please. कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज। रियल मीनिंग ऑफ कंप्लीट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। जैसे ही सक्सेस, हैप्पीनेस, कंफर्ट की बात आती है, हमारी अभी की परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस है हमारे दिमाग में, वो मटेरियलिस्टिक हैं या स्पिरिचुअल हैं? समाज में हर एक चीज मटेरियलिस्टिक परिभाषा हमारे अंदर घुसी गई है, क्योंकि वैसे ही हमने स्कूल में पढ़ा, वैसे ही फ्रेंड से सुना, वैसे पेरेंट्स से सुना। सक्सेस को, कंफर्ट को हम मानते ही एक्सटर्नल चीजों से, जितनी चीजें बढ़, ओ यार पता है उसने घर बनवा लिया, 7 कमरे हैं उसके घर में, और पता कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 4 गाड़ियां, और एक जैगुआर है, एक मर्सिडीज है, एक फरारी भी खड़ी है, भाई क्या लकी बंदा है यार, क्या जीवन बनाया उसका, क्या बात, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्या सड़ेला जीवन दिया मुझे। पता चला आपको, आप उसके घर में पहुंचे, वो दवाइयां खा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, बुरे हाल हो रखे उसके टेंशन से, क्या ये सफलता है? क्वेश्चन उठाइए। आप चाहते हो आपका बेटा बड़ा सफल हो जाए, उसका पैकेज 5 लाख रुपीज पर मंथ हो गया है, लेकिन बाद में उसने आत्महत्या कर ली, आप क्या सोचोगे एज अ मदर? ये सफलता थी या विफलता थी, आपकी भी और आपके बच्चे की, सफलता या विफलता, क्या कहोगे उसको आप? एक्सटर्नल सेंस पे क्या है, सफलता थी ना, अभी रिसेंटली हुआ था ना, एक फिल्म स्टार ने 1-2 साल पहले की बात है, क्या वो सक्सेसफुल थे दुनियादारी के एंगल से? आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दुनियादारी के एंगल से सफलता ही सफलता है। तो फिर इंसान अपने इमोशंस को हैंडल क्यों नहीं कर पाता, आत्महत्या ही कर लेता है, ये बताइए जरा। और क्या एक एग्जाम्पल ऐसा हिस्ट्री में, या एग्जाम्पल एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जो संसारिक दृष्टि से सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, टोटल डिप्रेशन में है, कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग वैसे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, फिर क्या ये सफलता है? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे उस तरह की सफलता प्राप्त कर लें कि वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, या फिर वो एक्सप्लॉयटेटिव ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं, करप्ट हैं वो, है ना? क्या ये सफलता है? क्या ट्रू सेंस में कंफर्ट होता है?
कि आप अच्छे सोफे पे बैठे हो लेकिन आपको रात को नींद नहीं आती, राइट? आपके घर में 75 इंच का सोनी का एलसीडी प्लाज्मा टीवी सब कुछ पड़ा है आपके पास, लेकिन आप अपनी बहन के कंफर्ट को देख के जलते हो। क्या ये कंफर्ट है आपका? क्या ट्रू सेंस में ये सब बातें कंफर्टेबल लग रही हैं आप? रियल मीनिंग क्या होता है? वर्ड कंप्लीट आते ही मतलब कंप्लीट, संपूर्ण रूप से। तो भागवत गीता हमें सिखाएगी कि एटलीस्ट वो है क्या, वो सक्सेस, इंटरनल लाइफ की सक्सेस, इंटरनल लाइफ की हैप्पीनेस, इंटरनल कंफर्ट, जिसका आपके बाहर के सर्कमस्टेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नहीं होगा आपके पास ना, तो एक्सटर्नली आपके पास कुछ भी आ जाए भाई, आपने रोना ही रोना है, इस बात को पकड़ लीजिए। अगर आपको इंटरनल लेवल पे सक्सेस मिल गई, आपने अपने मन को नियंत्रण करना सीख लिया, राइट, आपने इंटरनल लेवल पे भगवान से जुड़े रह के कंफर्ट को प्राप्त किया और हैप्पी रहना सीख लिया, दुनिया की कोई भी ताकत, बाहर का कोई भी सर्कमस्टेंस, अच्छा ये बताइए कि बाहर के लाइफ में क्या हमेशा ही आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर्स मिल सकते हैं? नितिन जी, आपके साथ कोई इंसिडेंट बताना चाहोगे जहां कोई फेलियर्स मिला हो आपको लाइफ में? ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही मिलेगी, फेलियर्स भी मिलते हैं, फेलियर्स इन रिलेशनशिप, फेलियर्स इन एजुकेशन, फेलियर्स इन प्रोफेशन। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो रोज ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई केस हार जाते हैं, फेलियर ही है वो दुनियादारी की नजर में, और हार के साथ बहुत ज्यादा विचलित भी हो जाते हैं लोग। सी, मैं भी बहुत ज्यादा हो जाता था और अटैचमेंट ये होती थी कि मैं हर बार जीतूं। भागवत गीता ने हेल्प किया, समझ में आया ये जीत हार ये बाहरी लेवल पे सारी चीजें होती हैं, कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। यू कैन डू योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए, बट फिर एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए, या हार भी मिलेगी जीत भी मिलेगी। हार में विचलित ना होना और जीत में बहुत ज्यादा छलांगे ना लगाना, समता के भाव को सीखना, ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं? ये भागवत गीता से पता चलती है। तो फेलियर्स आएंगे, रोज आते हैं, बिल्कुल एक्सटर्नली कुछ भी चल रहा हो और उसमें आप अगर संभाव मेंटेन कर पाते हो, नहीं ये है आपकी सक्सेस, और आप ये समझ पाओ कि आप इस मनुष्य जीवन में करने क्या आए हो, ये है आपकी सक्सेस। ये सक्सेस है कि जब आप शरीर छोड़ो तो आप भगवान के धाम जाओ, भगवान के प्रेम को प्राप्त करो, और आपका जीवन इतना परोपकारी हो जाए कि आप अपना तो कल्याण कर रहे हो भाई, हजार लाख लोगों का कल्याण करो, ये है सक्सेस। तो सक्सेस की परिभाषा को ह्यूमैनिटेरियन कीजिए, सक्सेस की परिभाषा को फिलैंथ्रोपिक कीजिए, सक्सेस की हैप्पीनेस की कंफर्ट की परिभाषा को स्पिरिचुअल कीजिए। उन मदर टेरेसा जिनकी आप तारीफ करते हो, क्या उनके पास बहुत साड़ियां थी इसलिए तारीफ करते हो? क्या उनके पास बंगले थे इसलिए बहुत तारीफ करते हो? समाज उनको क्यों याद करता है? क्योंकि वो बहुत लग्जरियस कार्स में बैठते थे? या इतने बड़े बड़े महात्माओं को याद क्यों किया जाता है? क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे? वो सक्सेसफुल इसलिए थे भाई क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो सेवा करके जाते हैं, जगत कल्याण करते हैं। तो आप सक्सेसफुल उस तरह के सक्सेस क्यों नहीं चाहते जिससे आप इंटरनली भी हैप्पी रहो, परम गंतव्य की तरफ भी जाओ और साथ साथ में कल्याण करो लोगों का? हमें ऐसे लोगों की आज रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल्स की ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसे ह्यूमन बींग्स की जो भागवत गीता को समझते हो और उनकी सक्सेस की परिभाषा, हैप्पीनेस की, कंफर्ट की परिभाषा मटेरियलिस्टिक ना हो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन हो, ताकि वो अपनी अपलिफ्टमेंट के साथ साथ सोसाइटी को अपलिफ्ट करें और प्रभु के प्रेम में जीते हुए आनंद को बांटे। आज आनंद की कमी है समाज में, पैसे की कमी नहीं है भाई। हम जब बड़े हो रहे थे तब में और अब में ही फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स में कितना फर्क पड़ गया है लोगों के घरों में। दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, दो स्कूटर होते हैं, पैसा बहुत बढ़ गया है, बट अशांति भी बहुत बढ़ गई है, डिप्रेशन भी बहुत बढ़ गई है, कला क्लेश भी बहुत बढ़ गया है, क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। तो क्या ट्रू सेंस में है सोसाइटी, हम कंप्लीटली सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने से आप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं, हम कंप्लीटली सक्सेसफुल तब होंगे जब हम गोलोक एक्सप्रेस में बताए गए जो शास्त्रों का निचोड़ है कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल को समझेंगे, और इस पे हम अगले सत्संग में अब चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था और सिंप्लीफाइड भागवत गीता की शुरुआत हो चुकी है एक्सप्रेस फॉर्म में और आज हमने सीखा भी भागवत गीता से हम क्या सीखने जा रहे हैं। वो चार पांच पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर हम पकड़ेंगे तो एक हमारे अंदर ना चाहत पैदा होती है कि वाकई यार भागवत गीता हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें सिखाती है एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स, जिसमें से पहला ये कि असल में हम कौन है, हमें अपने आप से मिलाती है। हम शीशा तो रोज देखते हैं, अपने चेहरे को भी देखते हैं, अपने बालों को भी देखते हैं, अपनी आंखों को भी देखते हैं, लेकिन रियल सेंस में हम कौन है। भगवद गीता वो दर्पण है जो हमारे अंदर की सारी बात को हमें समझाने जा रहा है। रियल सेंस में हम एक सोल हैं, हमारी रियल ड्यूटी क्या है, हम कैसे भगवान के अंश हैं, कैसे हम इमॉर्टल हैं, हमारी शरीर की तो मृत्यु होती है लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली आप भगवद गीता से सीखने वाले। इनर इंजीनियरिंग, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे हम अपने विकारों को डील कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, कैसे अपने सद्गुणों को और बेटर कर सकते हैं, क्वालिटीज को एनहांस कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं, ये सब हमें क्या कहाँ से सीखने को मिल रहा है, भगवद गीता से सीखने को मिल रहा है। ये हमें समझाएगी कि कैसे हम अपनी सही मायने में ड्यूटीज कर सकते हैं, और उससे पहले ये बताएगी वे ड्यूटीज हैं क्या। अभी तक जिसको हम ड्यूटी समझते आए क्या वो ड्यूटी है भी, और उन ड्यूटीज को कैसे हम भगवान श्री हरि की अगुवाई में, जैसे अर्जुन लड़ रहे हैं ना, भगवान श्री हरि की अगुवाई में लड़ रहे हैं, भगवान श्री हरि उनके सारथी बने हैं और अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं, वैसे ही हम भी कैसे अपने इस जीवन की सारी जिम्मेवारियों को भगवान श्री हरि की गाइडेंस में निभा सकते हैं, ये भगवद गीता हमें सिखाने वाली है। ये हमें ये फीलिंग देगी कि भाई ये वासुदेव कुटुंब है, जैसे निखिल जी ने बताया ये सारा परिवार एक ही परिवार है जिसके मुखिया भगवान श्री हरि हैं। सिंपल शब्दों में मुखिया भगवान श्री हरि हैं, परमपिता परमेश्वर और हम सब उनके बच्चे हैं, ऐसे उनके अंश हैं, ऐसे इसको समझें। तो कैसे हम वासुदेव कुटुंब की इस फीलिंग को अनुभव कर सकें और कैसे फिर जन कल्याण, समाज कल्याण, इन सब बातों को ना केवल सुने रादर हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, यही हमें सिखाने जा रही है। सही मायने में हैप्पीनेस है क्या, और बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन निखिल जी ने किया था, क्या हमने स्कूल में कभी कोई लेक्चर किया या हम पेरेंट्स के साथ कोई डिस्कशन हुई हमारी कि कैसे हमने इमोशंस को कंट्रोल करना है या कैसे हमने बेसिकली खुश रहना है, कैसे अगर विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, टफ सिचुएशंस आ जाएं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया वैसी घटनाएं होना शुरू हो जाए हमारे जीवन में, तो उसको कैसे डील करना है, कोई आंसर नहीं है, इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो ये भगवद गीता हमें सिखाने जा रही है, क्योंकि हम जब रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे, इंटरनली स्ट्रांग होंगे, तब हम ये रियल लाइफ चैलेंजेस जो है ना उनको अच्छे से डील कर सकते हैं। हम ये लाइफ को तो बेटर करेंगे ही करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखाती है भगवद गीता, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाती है, कैसे शरीर छोड़ना है और उसके बाद की क्या तैयारी होनी है। जैसे रामायण जी भी में एक चौपाई आती है रामचरितमानस जी में, जहाँ बोलते हैं ये मानव जीवन अगर पाया है तो ये एक अनमोल धन है, अनमोल धन मानव जीवन, इवन देवता भी इस मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हैं, और अगर मानव जीवन पाने के बाद किसी ने इन रियल क्वेश्चंस के बारे में क्वेरी नहीं की, मैं कौन हूँ, मेरी रियल ड्यूटी क्या है, मैं कैसे भगवान के धाम की तरफ अपने आप को लेकर जा सकता हूँ, अगर किसी ने ये नहीं किया तो उसने मानव जीवन को वेस्ट कर दिया है, वो इस लोक में भी दुखी रहेगा, परलोक में भी दुखी रहेगा। तो भगवद गीता इस लोक को सही करना भी सिखा रही है और साथ साथ में परलोक को सुधारने की बात भी हमें बता रही है, और लास्ट में जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, कंप्लीट सक्सेस। हमारे सक्सेस का जो डेफिनेशन मटेरियलिस्टिक है और बड़ी शैलो है, हम चीजों के साथ सक्सेस को जोड़ देते हैं, हम मटेरियल थिंग्स के साथ सक्सेस को जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा उसको हम ज्यादा सक्सेसफुल बोल देते हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। कंप्लीट का अर्थ, जैसे
क्विकली निखिल जी ने यहाँ पे आपको बताया, इट्स अबाउट ओवरऑल सक्सेस। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई किसी के पास पैसे गाड़ी धन दौलत है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वो एक कॉम्पोनेंट लाइफ का है। जब आप कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल हेल्थ भी एक हेल्थ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। और ये सब बातें आप भगवद गीता से सीखने वाले हो। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मॉडल्स और ये जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रही है ये वाकई लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बेस्ट विशेस टू यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं। आज चंबा से रजनी जी हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल रजनी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं रजनी महाजन चंबा से। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का। और मैं आज सही बोलूं तो 6 ईयर मैं पहले की चली गई थी वहां पे, और मुझे याद आ रहा था कि नितिन भैया मुझे एक फंक्शन में मिले थे और हमारी इस तरह से कोई बात हो रही थी डिवोशनल, और भैया ने बोला था भाभी आप भी भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। तो मैंने आंसर दिया था उनको, भैया भागवत गीता वो तो मैं बचपन से पढ़ रही हूँ। तो भैया ने एक क्वेश्चन मुझे पुट किया था उस टाइम, और मैं वहां वहीं चुप होके बैठ गई थी। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, हम पढ़ते तो हैं भागवत गीता शुरू से, जैसे हमारे घर में भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन मतलब नहीं पता था कि भागवत गीता है क्या। और जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो पता चला कि ये जो भागवत गीता है, भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को बताई। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने भागवत गीता सुनाई, और जो क्वेश्चन अर्जुन के थे उस 5000 साल पहले, वही क्वेश्चन जो है वो आज हमारे भी क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले जैसे हम लोगों का बहाना क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो गोलोक एक्सप्रेस में ये भी बहाना खत्म हो गया कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल होने के कारण कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कोई टाइम की वो नहीं है। आप जब भी आपको जो टाइम सूट करता है वहां आप आराम से भागवत गीता पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो भागवत गीता जैसे भैया ने बताया भगवान का गाया हुआ गीत, और हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि भगवान का गाया हुआ गीत हमें घर बैठे सुनने का मौका भगवान दे रहे हैं। और भगवत गीता पढ़ने के बाद जाना कि कैसे हम लाइफ में पॉजिटिव रह सकते हैं, और अगर हम खुद पॉजिटिव होंगे तभी हम पॉजिटिविटी को बांट पाएंगे। अगर हम खुद नेगेटिव हैं तो आई थिंक हम नेगेटिविटी ही बांटेंगे। और भगवत गीता पढ़ने के बाद ये भी पता चला कि हम लोग एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हम लोग ऑलमोस्ट क्या मान के चलते हैं, अपने आप को शरीर मानकर चलते हैं, तभी तो हम शरीर से जुड़ी हुई बातों को से हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये पता चला कि हम लोग आत्मा है और आत्मा हमारी अंदर से इम्प्योर है, और जब हम भागवत गीता पढ़ते जाएंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाएंगे, और इस तरह हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। और हर नेगेटिविटी से, जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर पा रहे हैं जब से हम पढ़ रहे हैं कि अपनी नेगेटिविटी से हम बाहर आए, और बहुत सारी नेगेटिविटी जो मैं अगर अपनी बात बोलूं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, लेकिन जब से भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया अपनी कमियां दिखनी शुरू हुई कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। और जब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी तो ऐसा लगा कि मेरे दुख का कारण मैं खुद थी, कोई और नहीं था ना। तो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कबीर जी ने बोला है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। और कहते जब आप अच्छे हो जाते हो ना तो आप सब आपको अच्छे ही लगते हैं। और सही मायने में अगर मैं बताऊं तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बोलती थी कि मेरे से दुखी कोई नहीं है,
अब मुझे लगता है कि हम लोग भागवत गीता के साथ जुड़कर इतनी खुशी महसूस, जो मैं मटेरियल चीजों में ढूंढा करती थी खुशी, वो खुशी आज के टाइम पे मुझे भगवत गीता के साथ जुड़कर मिल रही है। हर चीज थी लाइफ में, फैमिली बहुत अच्छी थी, पैसे की जगह पैसा था, हर चीज थी लाइफ में, लेकिन एक इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, वो नहीं थी, शांति नहीं थी। फिर लगता था कि क्या कमी है प्रभु, सब कुछ तो है, फिर कमी क्या है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर वो कमी दूर हो गई। अब जो इंटरनल हैप्पीनेस मैं सच में महसूस कर पा रही हूँ, और आज के टाइम पे मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे से खुश कोई नहीं है, वो खुशी जो शांति की तलाश में, सच में जैसे प्रिया ने बताया ना कि कभी भी पेरेंट्स या स्कूल में नहीं बताया जाता कि कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, कैसे हम पीसफुल लाइफ को जी सकते हैं। और आई थिंक हमने भी अपने बच्चों को कभी नहीं बताया, हम लोग हमेशा उनको रेड रेस में, कंपटीशन की रेस में भेजते हैं कि बेटा तुम्हें ये बनना है, बेटा तुम्हें ये बनना है। कभी हम नहीं बोलते बच्चों को कि बेटा तुम्हें हैप्पी हैप्पीएस्ट लाइफ कैसे जीना है, कैसे डीलिंग करना है। जैसे हम लोग शादी करके दूसरे के घर में आते हैं तो हमेशा माँ बाप क्या बोलते हैं कि बेटा सबको खुश रखना, मगर अगर आप खुश अंदर से इंटरनली खुश होगे तभी तो आप किसी को खुश रख पाओगे। तो आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया, और सच में जैसे जो जो यहाँ से सीखा है और आगे भी शेयर करने की हम लोग कोशिश कर पा रहे हैं भगवत कृपा से आज के टाइम पे, अगर प्रभु की कृपा से और नितिन भैया और निखिल भैया की गाइडेंस से आज के टाइम पे शायद 400-500 डिवोटीज को मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये सब कुछ मैंने जो सीखा है ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर सीखा है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रजनी जी, थैंक यू सो मच। बहुत वंडरफुल सेवा अब आप कर रही हैं। देखिए ये भागवत गीता की पावर ही है, रेगुलरिटी से वो चलती रही तो कृष्णा ने उनको इस तरह से बेसिकली इक्विप कर दिया कि वो आगे फिर कितने सारे लोगों को आगे गाइड कर पा रही हैं। और एक समय ऐसा भी था जब उनको ये लगता था शी इज गुड फॉर नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पा रही, अपने बच्चों तक को पढ़ा नहीं पा रही, कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, हैप्पीनेस से तो बहुत ही दूर की बात थी, जैसे वो खुद भी बता रहे हैं गैप पड़ता जा रहा था। लेकिन जब वो जुड़े हैं, उन्होंने मेहनत की है, सुनते रहे हैं, जो बातें बताई गई उसको फॉलो किया है, तो आज देखिए वो कितने वंडरफुल सेवाएं कर पा रही हैं। बेस्ट विशेस टू यू रजनी जी, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। आगे चलेंगे, हमारे साथ आरती जी हैं लुधियाना से। हरी हरी बोल आरती जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, मैं आरती जी लुधियाना से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। आज हमने भगवत गीता के बारे में जाना कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है हमारी लाइफ का जो हमें जीना सिखाती है, और फिर हमने अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसके बारे में जाना कि हम वास्तव में कौन है, वी आर सोल, वी हैव बॉडी। और हमने ये भी जानना कि जो मानवता है बहुत ही दुर्लभ है, कहा जाता है कि 84 लाख जोड़ियों के बाद ही हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर में ही प्रभु भक्ति संभव है, और किसी भी योनि में प्रभु भक्ति संभव है ही नहीं। प्रभु के धाम जाने के लिए हमें ये मानव तन मिला है। इस योनि को तो देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि जो प्रभु भक्ति का आनंद है वो मानव योनि में ही, मानव तन में ही लिया जा सकता है। लेकिन हम लोग माया में फंस के प्रभु को भूल जाते हैं, और क्या कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है भक्ति के लिए, प्रभु के नाम जाप के लिए। पर अज्ञानतावश हम लोग मोह माया में फंस के प्रभु को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ छोटा बच्चा होता है, उसके जो पेरेंट्स मर जाते हैं उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि उसके पेरेंट्स अब दुनिया में नहीं रहे, और उसको इन फ्यूचर किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो वैसे पास में खड़ा खेलता रहता है, हंसता रहता है, सब कुछ करता है। वैसे ही हम लोग हैं, हम अज्ञानतावश प्रभु को जब भूल जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमको आने वाले टाइम में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग तो पहले इतने लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, और लेकिन जब प्रभु का नाम जाप भी नहीं करेंगे ये मानव तन प्राप्त करके, तो आने वाले समय में पता नहीं हमें और कौन कौन से दुखों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग संसार में सुखी होते हैं तो वो कई बार कहते हैं कि प्रभु के नाम जाप का क्या फायदा,
ये तो टाइम वेस्ट है कि आप लोग ऐसे राम राम कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोलते रहते हो। तो ऐसे एक व्यक्ति किसी संत के पास जाता है, वो कहता है कि आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो। तो संत उसको बोलते हैं कि तू बेवकूफ है, गधा। तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता है, एकदम गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है। तो संत कहते हैं कि तेरे को मैंने को हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर भी इतना लाल पीला क्यों हो रहा है। तो वो व्यक्ति कहते हैं जो आपने बात बोली ना, वो सीधा मेरे जाके दिल में जाके चुभी है। तो संत उसको समझाते हैं ऐसे ही जब हम नाम जाप करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, तो वो भी प्रभु के पास जाता है। और ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि हम प्रभु का नाम जाप करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, फिर भी हमको दुख आता है। तो फिर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेड़ होते हैं, उसमें हर सीजन आता है, पतझड़ भी आता है। जब पतझड़ आता है तो पेड़ के सब पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन आफ्टर पतझड़ क्या होते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो दुख सुख है वो तो आते जाते रहेंगे। अगर हमने परमानेंट हैप्पीनेस के बारे में जाना कि हमको कैसे मिलेगी, कैसे हम परमानेंट पीसफुली रह सकते हैं, वो सिर्फ प्रभु भक्ति का ही सहारा है, प्रभु भक्ति का नाम जाप ही है जो हमको परमानेंट हैप्पीनेस देता है। हमको परमानेंट शांति अनुभव होती है, वो प्रभु भक्ति से ही संभव है। तो चाहे हमारे कितने भी बुरे हालात हो, सत्संग हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो मुसीबतों से बचने का रास्ता है। हर सवाल का जवाब हमको सत्संग के माध्यम से ही मिलता है, गुरु के माध्यम से ही मिलता है। तो भक्ति एक आग की तरह है, सिमरन घी की तरह है। यदि हम चाहते हैं कि भक्ति की आंच कभी भी धीमी ना पड़े, तो हमने सिमरन रूपी घी हर सांस सांस में डालते रहना है, प्रभु का नाम जाप सिमरन करते रहना है। प्रभु को ही हमने अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना है, क्योंकि जब हमारा कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी रास्ता हमको नजर नहीं आता, तो हम लोग कभी प्रभु के पास जाते हैं। जब इंसान को कितना भी दुख होता है, चाहे उसका कितना भी करीबी फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, किसी के आगे वो प्रे नहीं करता, तब उसको पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम भगवान ने ही सोल्व करनी है, तब हम लोग प्रभु को ही प्रे करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो असली सहारा है वो ही प्रभु ही है, उन्होंने ही हमारे दुख दर्द दूर करते हैं। और जैसे कि भजन भी है, कहा भी जाता है कि मानव तन अनमोल रे, इसको माटी में ना रोल रे, फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो वास्तव में जो मानव तन है ये बहुत प्रीशियस है, हमको वेस्ट नहीं करना। हमको इसी जन्म में प्रभु का ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके गोलोक धाम, प्रभु के धाम को प्राप्त करना है। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, बिल्कुल सही आपने कहा, मानव तन अनमोल है, इसको बिल्कुल भी हमें माटी में नहीं मिलाना है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, और इसको इसकी अच्छी यूटिलाइजेशन करनी है। और बेस्ट यूटिलाइजेशन इसकी तब हो सकती है जब हम बेस्ट के साथ जुड़ेंगे। और बेस्ट क्या है? बेस्ट कृष्णा है और उनकी गाइडेंस है, और वो किस फॉर्म में हमारे सामने, वो भगवद गीता के रूप में हम सबके सामने है। ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने हमें दी, बस इस बात को समझें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें। धन्यवाद एक बार फिर से आरती जी। एक और क्विक रिव्यू ले लेंगे हम, हमारे साथ काजल जी धनबाद से हैं। हरी हरी बोल काजल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू पोलर एक्सप्रेस की जो आपने मुझे मौका दिया आज बोलने पे। भगवत गीता क्या है? तो ये तो मतलब व्याख्यान करना बड़ा ही मुश्किल है। भगवत गीता क्या है, इसके तो अनंत बेनिफिट है भगवत गीता को पढ़ने के। भगवत गीता कि मेरे लाइफ में क्या चेंजेज हुई है और मैंने इसे क्या लर्निंग ली है, वही मैं आज शेयर करूंगा। तो भगवत गीता सबसे पहले क्या है ना कि दुनियादारी में जो हम लोग उलझे रहते हैं, तो दुनिया के असली रूल्स रेगुलेशन क्या है वो बताती है। हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, दूसरे के कारण मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, या भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। तो ये एक बड़ा इसमें पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है कि दुनिया का एक नियम है, उसी से आप जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो ये एक जो है ना भ्रम जो होती है लोगों में वो दूर करती है। दूसरा, आप अगर काफी एक्सेसिव थिंकिंग करते हो, आप मतलब इस कंपटीशन में हमेशा रहते हो, उसमें असफल होते हो, तो उसको कैसे डील करना है असफलता को भी वो भी सिखाती है। फिर ये बताती है कि हम कौन है, मैं मतलब अहम जो है वो नहीं होनी चाहिए, और मैं मतलब आत्मा क्या है, आत्मा के सूक्ष्म जो रूप होते हैं कि
मन बुद्धि अहंकार ये सब एक पार्ट है और इसको आप कैसे देख सकते हो और आत्मा हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती है, ये सब चीज की पूरी क्लैरिटी इससे मिलती है हमें। हम लोग का क्या इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है और क्यों आए हैं ये सारी चीज बताई जाती है। क्या ड्यूटी हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ड्यूटी को बिना फल के करना चाहिए हमने सीखा है, सुना है, लेकिन इसको पढ़ने समय पूरा स्टेप्स पता चलता है कि कौन कौन से भावनाएं होनी चाहिए हमारे दिमाग में या उस तरह से हम कर्म करें। तो ये सब चीजें बताती है सफलता के असली में सुख क्या है। सभी लोग बोलते हैं कि खुश रहो खुश रहो, बट वो खुश रहे कैसे, वो खुश रहने की कला हमें भगवत गीता को सीखने से आती है। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मतलब मेरी जो समझ हुई है लर्निंग, निर्भयता आ जाती है हमें। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम अपने कर्म के अनुसार हम फल भोगेंगे और तो इस तरह से हम किसी से डरते नहीं है और जो सही है उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। और सुख दुख ये एक मौसम की तरह है, ये आते जाते रहेंगे, ये सबकी ज्ञान मिलते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है इसलिए आज मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा। हरे हरि बोल, हरे हरि बोल, जय श्री कृष्ण, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच काजल जी, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगता है और आप बिल्कुल प्रिसाइसली आपने अपनी बात को रखा, यही इम्पोर्टेंट है। इस बात को जो समझ जाएगा एक्चुअली वो हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, इस लाइफ में भी और जैसा हमने पहले भी कहा इस लाइफ में भी। और रियल सक्सेस क्या है, रियल सक्सेस ये है कि हम अपने रिलेशनशिप को समझें और फिर जो असली घर है हमारा गोलोक धाम, वहां जाने की हम तैयारी कर सकें यहाँ की सारी जिम्मेवारियों को करते हुए, वेरी इंपॉर्टेंटली सी। तो ये करना है और ये भगवद गीता के माध्यम से हम कर सकते हैं, इट इज डूएबल। ठीक है, एक बार फिर से आपका धन्यवाद काजल जी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं भजन की तरफ, लेकिन भजन पे जाने से पहले आज जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके और उनकी फैमिलीज के लिए जिनके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मैं अपनी 4 मालाएं डेडिकेट करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को, आप भी कुछ मालाएं अपनी डेडिकेट करें जब आप प्रार्थना करते हैं। तो इन सभी के लिए आप जरूर प्रार्थना करें, भगवान प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं और साथ ही साथ हमारी सेवा भी हो जाती है और खुद की साधना भी हो जाती है जब खासकर हम माला डेडिकेट करते हैं। जो कलेक्टिव माला हम सब ने की थी शुरू में वो वर्ल्ड पीस को डेडिकेटेड है। देखिए यूएनओ बन गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वर्ल्ड में क्या है, अशांति है। और उसका आज यूक्रेन और रूस रशिया बेसिकली एक वन ऑफ दी बिगेस्ट एग्जाम्पल सामने बन गया, कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो वो जो शुरू में हम माला करते हैं वो डेडिकेटेड है वर्ल्ड पीस के लिए कि वर्ल्ड लीडर्स को सद्बुद्धि आए और सही मायने में जो भागवत गीता में बातें बताई गई उसको समझ के वो शांति के रास्ते पर चले, ना कि अशांति के रास्ते पर। चलिए राजकुमारी जी मंडी से हैं हमारे साथ, वो आज भजन सुना रही है। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा निखिल जी, नितिन जी, ऑल गोलोकियंस। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, हर दिन की तरह। और मैं राजकुमारी मंडी सरकाघाट से। फ्रेंड्स, ये जो भगवान जी की कारगुजारी है इसे कोई नहीं समझ सकता। किसी की झोली में फूल भरे हैं और किसी की झोली में कांटे, ये सब हमें अपने अपने कर्मों के अनुरूप मिलता है, लेकिन हम दोष किसको देते हैं, प्रभु जी को। और एक इंसान जो है बहुत ज्यादा धनी होता है, निखिल जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि उसको अगर धन का बिस्तर भी दे दें तो भी उसको उस बिस्तर पे चैन की नींद नहीं आएगी। और दूसरी तरफ जो है एक भक्त होता है जो प्रभु के ध्यान में रहते हुए सारे कार्य करता है, तो उसको अगर कांटों पर भी सुला दे तो उसे आराम से नींद आ जाती है। और फ्रेंड्स, हमारा ये जो शरीर है ना,
ये बाद में बनता है, हमारी तकदीरें पहले बन चुकी होती हैं, लेकिन हम पूरा समय जो है तकदीर को दोष देते रहते हैं। इन्हीं शब्दों को मैं भजन में पिरोकर प्रभु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। हो कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनती है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनती है शरीर। ये प्रभु की है कारगुजारी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। हो कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे मैं। धन का विस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे मैं। कांटों पर भी सो कर आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हो कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भिड़स ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चिंटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हो कोई कारण होगा। हाँ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। आइए फ्रेंड्स, यहाँ सत्संग को हम विराम देंगे। हरे कृष्ण कृष्ण।